लेकिन लोगों की हत्या तो हो रही है ना सर। हत्या हो रही है, बिल्कुल मैं इस बात सहमत हूँ। राष्ट्रीय जनता दल का आरोप बेबुनियाद है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में शराबबंदी कानून सख्ती से लागू है, लेकिन फिर भी क्यों हर बार शराब का जखीरा बरामद होता है। एक बार फिर से बिहार में लगभग 14 से 15 मौतें हुई हैं जहरीली शराब के कारण, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल कह रहे थे कि हमने जांच के आदेश दे दिए हैं। विपक्ष सवाल पूछ रहा है। इस वक्त हमारे साथ पाटलिपुत्र से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव जी हैं। शराब का जखीरा बरामद हो रहा है, कितने सालों से आपके यहाँ शराबबंदी कानून लागू है, फिर भी जहरीली शराब से लोगों की मौत हो जाती है, क्या इतनी दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं है? बिल्कुल चिंता का विषय है और सरकार बहुत चिंतित है। आपने देखा होगा नवादा में जिस तरह से 19-20 लोगों की मौत हो गई और पाया गया कि जहरीली शराब से ही मौत हुई है। माननीय मुख्यमंत्री ने आदेश भी कर दिया है और मैं समझता हूँ कि दूध का दूध पानी का पानी आएगा। जो लोग भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। विपक्ष नेता तेजस्वी यादव साफ साफ आपसे पूछ रहे हैं कि आप लोग छोटी छोटी मछलियों को पकड़ रहे हैं, बड़े मगरमच्छ को पकड़ने की हिम्मत सरकार में नहीं है। सर जांच में सब कुछ पता चल जाएगा ना, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, किनके वजह से नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, कानून का पालन नहीं हो रहा है, वो सब लोग जाएंगे जांच में। इसीलिए तो जांच क्या है, दोषी होंगे तो उन पर कार्रवाई होगी, तो बच जाएंगे। कोई भी चाहे अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, कर्मचारी हो, सिपाही हो, दरोगा हो, आम आदमी हो, कानून तो सबके लिए है ना भाई। जांच में जो लोग भी पाए जाएंगे सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार किसी को न बख्शी है और न किसी को बख्शेगी। नहीं, हमने देखा कि पार्लियामेंट में आपने मुद्दा उठाया कि विधानसभा में जिस तरीके से मारपीट हुई, विधायकों का अभी भी आरोप है सत्ता पक्ष पर, लेकिन जिस तरीके से आम लोगों के साथ वार्तालाप हो रहे हैं, आम लोगों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, आरजेडी कह रही है कि बिहार में एक बार फिर से नरसंहार का दौर शुरू हो गया। राष्ट्रीय जनता दल का आरोप बेबुनियाद है, नरसंहार का दौर नहीं है। नहीं, लेकिन लोगों की हत्या तो हो रही है ना सर। हत्या हो रही है, बिल्कुल मैं इस बात सहमत हूँ। मैं नियंत्रण करने की कोशिश सरकार कर रही है और मैं तो ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं इसके खिलाफ ये कहीं ना कहीं साजिश है सरकार के खिलाफ, ये भी इसकी भी संभावना हो सकती है। बता रहे हैं सरकार के खिलाफ साजिश है, और अचानक ऐसा कैसे हो रहा है, अचानक कैसे हो रहा है? और मैं बताऊं कि कानून बिहार सरकार की जो कानूनी कार्रवाई है वो हर अपराधियों के खिलाफ होती रही है और आज भी चिन्हित करके उन अपराधियों को सजा पहले भी मिलता रहा है अपराधियों को, और अब भी मिलेगा, और कहीं ना कहीं इसमें साजिश है। नहीं, जिस तरीके से कल आरोप लगाया गया आरजेडी के एमएलसी हैं सुनील सिंह, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि एक जाति समूह को टारगेट किया जा रहा है पूरे बिहार में और तब मारा जा रहा है। ये सब बेबुनियाद है, बिल्कुल असत्य है, ऐसी कोई बातें नहीं है। अपराधी पर अपराध पर नियंत्रण करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और आगे भी करेगी। जो लोग भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उनको न सरकार छोड़ी है न छोड़ेगी। तेजस्वी यादव ट्वीट करके जवाब मांग रहे बीजेपी से कि बीजेपी जवाब देना, बड़े भाई की भूमिका में है बिहार में, फिर भी चुप क्यों है, मौन है? जवाब तो दे दिया हमने, जवाब नहीं दिया। देखिए, कुल मिलाकर रामकृपाल यादव हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के हर ट्वीट का जवाब तो हम दे ही रहे हैं, जवाब सुनने की शक्ति होनी चाहिए। बहरहाल विपक्ष के आरोपों पर सत्ता पक्ष ने क्या कुछ कहा आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।